गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम बेस। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं जॉब्स रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए है, और ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है जो कि जूनियर इंजीनियर और इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए आया हुआ है। तो चलते हैं अपना, देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पर। और यह आया हुआ है ग्रिफिन इंफ्राटेक की तरफ से। तो चलते हैं क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है, नहीं है वो देख लेते हैं। हाँ, अगर अपना चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नया अपडेट आए जॉब से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं अपना इन्फॉर्मेशन पे। देखिए, सबसे पहले है एसआर इंजीनियर का। इसमें आपको खोज रहा है 8 से 10 साल एक्सपीरियंस खोज रहा है, और ये है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अगर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो किस में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सच एज रोडवे, फ्लाईवे, डैम्स ETC एंड अदर है। एक्सपीरियंस वर्किंग इन प्रोजेक्ट लेइंग फाउंडेशन फॉर हैविंग मशीनरी हाईली डिजायर के लिए भी होना चाहिए। और एक बात जरूर है कि जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो ऑटोकैड जरूर रिक्वायर्ड होना चाहिए। ऑटोकैड तो जनरली मतलब कि सब कंपनी में होता है, हर नोटिफिकेशन में भी आता है जॉब के रिक्वायरमेंट के, ऑटोकैड मस्ट भी है। ये जो है इसमें है आपका रिज्यूम एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, इस मेल पे सेंड कर देना है आपको इस वेबसाइट पे। दूसरा है आपको जूनियर इंजीनियर की तरफ से आया हुआ है, ये आपको इसमें आपको एक्सपीरियंस खोज रहा है 2 से 4 साल। एजुकेशन है इसका डिग्री एंड डिप्लोमा इन सिविलरी, सेम एजुकेशन है। और रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट भी वही है, एक्सपीरियंस में होना चाहिए, रोडवे, फ्लाईओवर, डैम्स होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस ऑटो कैड का जरूर होना चाहिए। तो चलते हैं, और इस पर भी वही है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रिज्यूम इस पर भेज सकते हैं इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थर्ड में है प्रोजेक्ट मैनेजर का। इसमें तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खोजा हुआ है, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस खोजा हुआ है। इसमें एजुकेशन भी सेम है, डिग्री और डिप्लोमा वाले के लिए, बोले ना डिग्री और डिप्लोमा वाले को लिए ही लाए हुए हैं, ठीक है। इसमें भी रिक्वायरमेंट क्या है, मस्ट बी अंडरटेक द टेक्निकल एंड फिजिबिलिटी स्टडी इंक्लूडिंग द साइट इन्वेस्टिगेशन। अगर साइट इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको ज़्यादा मतलब कि टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी देखिए आपको क्या आना चाहिए, सिविल ड्राइंग आना चाहिए, एस्टिमेशन करना चाहिए, प्लानिंग आना चाहिए, बिलिंग आना चाहिए, बिल कॉस्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट, जैसे कि बहुत तरह का होता है ना, इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस सीधा खोज गया तो एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। इसका भी सेम है, आप इसको देख लीजिएगा। इसका हम लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी रिज्यूम को सेंड करना है इसके आईडी पे, रिज्यूम एंड कंटेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अपना एक ज़बरदस्त रिज्यूम बना लीजिए ताकि फिर दिक्कत ना हो। देखिए, होता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जानते ही होंगे। तो सही है, चलते हैं। एक बार फिर से कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जॉब के नोटिफिकेशन पाने के लिए तो जानते ही हैं क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का दबाना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जहाँ जहाँ त्रुटि है वहाँ पे ज़रूर बताएं कि आप मतलब त्रुटि है वहाँ हमको सुधारने की ज़रूरत है तो वो सुधार देंगे। थैंक यू सो मच।